हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सिक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़ा, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन, IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है, अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सिक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़ा, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन, IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है, अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष
नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सिक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है, अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सिक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है, अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और
कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सिक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगत पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है, अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सिक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है।
अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगत पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चाजों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है। #रेड 2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है। अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चाजों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी।
इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगत पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #Red2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है। अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है। अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है। जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी, हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सिक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है, अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2 इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है। जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी, हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सिक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है, अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर
और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2 इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़ा, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है, अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2 इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़ा, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है, अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष
नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी, हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सिक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है, अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी, हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सिक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है, अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और
कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सिक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगत पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है, अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सिक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है।
अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगत पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चाजों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है। #रेड 2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है। अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चाजों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी।
इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगत पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #RED2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है। अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #RED2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है। अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है।
यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है, अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2 इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है, अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2 इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में।
अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़ा, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2 इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़ा, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी। राजकुमार गुप्ता की और #रितेश देशमुख ने विलन का किरदार निभाया है। फिल्म में वाणी कपूर और रजत कपूर भी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली और लखनऊ में फिल्माया गया है। #भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, #अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार की ओर से निर्मित है। यह फिल्म एक लीडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। यह कहानी उन चार्जों पर गहराई से प्रकाश डालती है जो पुरुष नायक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मूवी 16 मार्च 2018 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी
और एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी हुई है। इसे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 154 करोड़ की कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की रेड 2, इसकी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी अजय देवगन की मोस्ट अवेस्टेड फिल्मों में से एक है, जहां पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है। अब रेड 2 की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गई है। यह 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सिक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिसूज़, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। स्टेट एनालिस्ट तरण आदर्श ने रेड 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अजय देवगन स्टार मूवी 21 फरवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रितेश देशमुख विलन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है और निर्माता भूषण कुमार, कुमार मगध पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार हैं। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजय देवगन, रितेश देशमुख, वाणी कपूर की रेड 2 की रिलीज डेट लॉक हो गई है, #रेड2, जिसमें #अजय देवगन IRS अधिकारी अमय पटनायक की मुख्य भूमिका में है, अगले साल सिनेमा घर में 21 फरवरी 2025 को आएंगी।